So I have been the guest faculty of Jami Millia University, Mohalla Sukhari University, Allahabad University, and I have been also associated with the guest faculty as a various expo promotion councils, organizations, bureau federation of organizations. So let's start if nobody is coming voluntarily. आप हैंडीक्राफ्ट के बारे में क्या जानते हैं? कौन बताएगा? हैंडीक्राफ्ट विच इज थिंग टू मेड बाय हैंड मेड विद सम मशीन व्हाइल इट लुक्स समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट. ये पाली वाली नहीं सही पाली है भाई नहीं अच्छा मुझे याद है इसका मैं इसमें क्या कौन से दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं दो भाग इसमें एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक इंपोर्ट यस सर दोनों मिलके क्या बना फॉरेन इट्स कॉल्ड फॉरेन ट्रेड ठीक है यस सर अब हम करते हैं ये एंटरप्रेन्योर ये एंटरप्रेन्योर है क्या चीज मैं कैसे खड़ा करूँ क्या फायदा ठीक है किसी को खड़ा करूँ मैं क्या फायदा हाँ जी आप लोग कौन है हु आर यू न्यूली एंटरप्रेन्योर न्यूली एंटरप्रेन्योर जस्ट बॉर्न ठीक है यू ऑल्सो बियर दिस रिस्क फैक्टर और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है हाँ जी एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है स्टार्टिंग अप अ स्मॉल बिजनेस हाँ जी स्टार्टिंग अप अ स्मॉल बिजनेस ऑन अ स्मॉल स्केल और ये हो गया उद्यमिता ये हो गया उद्यमी ठीक है ये आपका उद्यमी क्या वो वेंचर्स ही ओन सम एसोसिएटेड विद द एंटरप्रेन्योरशिप ही कैन टेक रिस्क एसोसिएटेड विद द रिस्क एंड रिवार्ड्स न्यू इनोवेशंस मेरे बस की नहीं है एज एंटरप्रेन्योर बनना हर एक के बस की नहीं है क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है क्या इसमें रिस्क इन्वॉल्व है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक रिस्क इन दी एक्टिंग कम्युनिटी वर्ल्ड तो उद्यमी देन वी स्टार्ट वन शॉर्ट विद एंटरप्राइज मतलब है आपका उद्योग ठीक है ये आपका प्रोसेस है एक्सपोर्ट बिजनेस का ठीक है आप क्या है एंटरप्रेन्योरशिप सीखने आए व्हाट यू आर लर्निंग हियर अबाउट द फॉरेन मैनेजमेंट क्लियर एंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्लियर हो गया आपको ठीक है फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या हुआ विदेश व्यापार आयात निर्यात कॉम्बिनेशन ठीक है नाउ स्टार्ट विद दी हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ये हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन्होंने हैंडीक्राफ्ट उद्योग का भी अब बना है ये हस्तशिल्प हमारा कितना पुराना है ठीक आप बताइए हाउ ओल्ड हाउ सेंचुरी ओल्ड कितना सेंचुरी मैं यह भी पूछ रहा
नॉट वेरी 20 पैसे भी आपने चार महीने लगाए यहाँ पर चाय बिस्कुट नहीं खाने आया सर मिलते भी मोस्टली हाँ जी मिलते भी नहीं है मिलते भी नहीं चलो कितना पुराना है भाई अब क्वेश्चन आंसर ज्यादा है टाइम कम है ये एक तरह से एवोल्यूशन है आपका सर जब से इस सृष्टि का विकास हुआ है तब से ही हम कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि हमारे हाथों से बनी हुई है और उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन होता रहता है आपका क्या नाम है सर रिज़वान रिज़वान साहब की ताली बजा दीजिए सदियों पुरानी है सदियों पुरानी ये हस्तकला है और प्रकृति ने द नेचर हैज गिवन लॉट ऑफ थिंग्स टू द अर्थ इस धरती को इतना उपजाऊ बनाया है कि हमें हर चीज मिली है चाहे आपका रॉ मटेरियल हो चाहे मानव संसाधन हो ह्यूमन रिसोर्स ठीक है मोहन जोदारो नाम सुना होगा टेराकोटा टेराकोटा मिट्टी से बनी हुई चीज मिट्टी की बनी चीज ठीक है समझा कि सदियों पुरानी है पहले मिट्टी के बर्तन बनते थे आपने दीवारों पे अलंता तक्षशिला सब देखा फिर टेक्सटाइल बेस्ड हैंडीक्राफ्ट आ गया सब कुछ आ गया ठीक है समझ आ गया अब आइए 21वीं सदी में आ रही है 18 साल हो गए 19 साल शुरू हो गए ठीक है क्लस्टर किसे कहते हैं कोई प्रोडक्ट बन रहा है उससे आप बोलिए क्लस्टर किसे कहते हैं क्लस्टर किसी विशेष क्षेत्र में जो चीजें वहां से निकल के आती है जैसे हैदराबाद पीतल आगे बोलिए फटाफट जल्द बोल दीजिए एक्सेस ऑफ वन प्रोडक्ट अच्छा और स्पेसिफिक एरिया फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑल और आप बंच बंच एक ग्रुप सो स्पेसिफिक सिटीज रिप्रेजेंटिंग द स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज देयर क्लस्टर स्पेसिफिक रीजन एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक अमाउंट आई वांट डिफरेंट वर्ड्स टू बी यूज्ड इन रिप्लाई सर फेमस प्रोडक्ट पर्टिकुलर सिटीज सर किसी भी जगह का फेमस प्रोडक्ट जो वो ही अच्छा स्टैटिकल मॉडल में फेमस प्रोडक्ट बनाया सर एक जगह पर प्रोडक्ट सर सदियों से कोई चीज चली नहीं आ रही है उसे जहाँ पे जब पे ताली बजेगी ठीक है आप शब्दों को लेकर मैं एक परिभाषा कर देता हूँ आपने देखा मैप लगा हुआ यहाँ पर क्लस्टर वर्ड क्लस्टर उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर एक ही प्रकार का एक ही कैटेगरी का प्रोडक्ट या आइटम बनता है मैं इस प्रोडक्ट कहते हैं आइटम कहता हूं हैंडीक्राफ्ट आइटम पहले आइटम पे बात हो जाए हम उसको आइटम क्यों कहते हैं क्योंकि वो कुछ डिफरेंट और यूनिक है वेरी गुड सौंदर्यता है यकीन जरूरत है या बोलते रहेंगे आप एक में है आपकी यूनिकनेस और डिफरेंट और ओरिजिनल फीचर अट्रैक्टिव फीचर्स अट्रैक्टिव मॉडल्स डिफरेंट फीचर्स एस्थेटिक वैल्यू जिस सौंदर्य को कहते हैं हम यूजेबल सौंदर्य एस्थेटिक वैल्यू और यूजेबल सजावटी
सॉरी डेकोरेटिव और ये किससे जुड़े हुए हैं? और बनाता कौन है? डोंट कॉल मजदूर मजदूर वर्ड कार दीजिए अपनी जान से आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन में क्या अंतर है? आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन क्या अंतर है? क्राफ्टमैन जो वो मैं हाथ से ही बनाएगा और आर्टिस्ट जो है अपनी उसी कला के हिसाब से बनेगा पेंसिल्स के इस्तेमाल इसमें क्राफ्टमैन बड़ा है आर्टिस्ट बड़ा है आर्टिस्ट बड़ा ताली बजाइए इनके लिए बड़ी कम बजाएगी ठीक है ये हमारी लाइफ स्टाइल जुड़ा हुआ है ऑल दीज हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आर रिलेटेड टू अवर लाइफ स्टाइल अगर ये जीवन शैली ना हो तो ये हैंडीक्राफ्ट आइटम भी नहीं है प्लीज बताओ ठीक है नाउ इट इज कल्चर बेस्ड कल्चर बेस्ड तो क्या कौन एक्सप्लेन करेगा संस्कृति से जुड़ा हुआ है संस्कृति से जुड़ा हुआ है कौन बोल बोलेगा अलग अलग संस्कृति में उसी से जुड़े हुए आइटम जो है वो यूज किए जाते हैं जैसे कि साइज और उसके हिसाब से कश्मीर का कौन क्या मशहूर है शॉल ठीक है ना शॉल है शॉल पे क्या होता है कढ़ाई होती है ठीक है लखनऊ का काम कौन सा मशहूर है ठीक है हमारी कितनी संस्कृति है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाकी तो मिक्स कर लो कितने स्टेट है हमारे पास 29 यूनियन टेरिटरी छोड़ दो 29 प्लस 7 यूनियन टेरिटरी ठीक है अब मैं कहूं नॉर्थ ईस्टर्न का जो संस्कृत के हिसाब से कौन सा आइटम मशहूर है बम्बू बैम्बू यूपी का यूपी का अब बोलते रहो ना बहुत है राजस्थान जोधपुर मार्बल का जो है वैसे मार्बल नहीं है राजस्थान का वो है संगमरमर प्रिंटिंग ब्लॉक प्रिंटिंग ठीक है पंजाब का बता फुलकारी फुलकारी बड़े बड़े फुलकारी आपको मुरादाबाद पीतल का पीतल नगरी कहते थे सहारनपुर ये यूपी के हैं मैं यूपी के बता रहा हूँ ठीक है यूपी के स्टेट वाइज बता रहा हूँ मैं हिमाचल 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 पेंटिंग द्वारा मैं चाहिए आपके दिमाग पर की दिलाना चाहता हूँ आपको नॉलेज है लेकिन क्या है वीक नहीं है निकल नहीं मतलब आपका सब इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलता होगा ठीक है जो ये है कल्चर बेस्ड है ठीक है ये रिलीजियस है क्या ये धार्मिक है रिलीजियस क्यों है मेरे हाथों में नौ टीवी है चुड़िया मांग का सिंदूर आपकी साड़िया लहंगा चुन्नी शेरवानी जवाहर बास्केट ये तो मोदी नामो हो गया जवाहर हो गए कई ऐसे जो धार्मिक हैं हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडीक्राफ्ट आते हैं ठीक है ना आपका मंगलसूत्र आपके पजेब ऐसी चीजें जो धार्मिक है रिलीजियस है और ये लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है क्या है हमारे जीवन शैली ये दिल मांगे जिसका हम लोग सुनोबंद था पेप्सी किसका सुनोबंद था पेप्सी पेप्सी का ठीक
ठीक है, डर के आगे ऋतिक रोशन अभी समझ में आ गए, अभी बताइए मेरे को ये नीड्स है या वांट्स है या डिजायर है या डिमांड है? डिमांड It's a need. Want. Desire. Or demand. क्या है ये? जरूरत, आवश्यकता, इच्छा और मांग. Want. ये में है क्या? Want. है? Want. Want. Want, very good. और desire. ये need नहीं है. Desire कौन? Passion. ये you need नहीं है. हमारी need क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान. जो अब तो पानी मिल जाए, अच्छी हवा मिल जाए, दवाई मिल जाए और पेट भरने के लिए चाहे बासी रोटी भी चलेगी. ठीक है. अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान. अब हम आदित्यनाथ योगी तो है नहीं, बाबा रामदेव तो है नहीं, मुख्यमंत्री बन जाए. मुख्यमंत्री कपड़ों की हम क्या है? मैंगो मैन. नो, हम है मोदी जी. कपड़े अच्छे, बड़े बड़े आर्टिस्टों के जो लाखों करोड़ रुपए पेंटिंग, हजार दो दो हजार बिकती है. ठीक है, डिमांड. तो हमारे जो फोकस है ये हमारा क्या है? ये वांट्स है और डिजायर. ठीक है, क्लियर? ये पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया आपको पहले? नो है? ये बढ़ा. ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज है, आप इसलिए बता रहा हूं आपको. ये बनाता क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट? हस्तशिल्प की परिभाषा क्या है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? ये हमारी है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स? व्हाट इज द डिफरेंस हस्तशिल्प और हस्तकरघा में क्या अंतर क्या है? सर वो बाय मशीन होता है, बाय हैंड होता है. बाय हाथ कपड़े से रिलेटेड होता है. दोनों में हैंड लगा हुआ है. मशीन हाथ से. मैंने व्हाट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम? हरिया सर, हैंडीक्राफ्ट उसमें उसमें क्रिएटिविटी दे सकते हैं. हैंडीक्राफ्ट में क्रिएटिविटी, लेकिन अगर हैंडलूम में एक ही प्रिंट आएगा उसके ऊपर हम अपना कोई भी क्रिएटिविटी. इसमें अंतर क्या है सर? हर बार मशीन हैंडलूम में क्या होता क्या है? कपड़ों पे कारीगर कपड़ा बनाया जाता है. कपड़ा कैसे बनाया जाता है? हाथ से जुलाया जो बनाता है. कपड़ा बन गया, कपड़े के ऊपर क्या करते हैं आप? ब्लॉक प्रिंटिंग या हाथ से जरदोजी का कपड़ा क्या है? ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया. दोनों हाथ से बनता है, पावर लूम से नहीं, कोई मशीन से नहीं, दोनों हाथ से. ठीक है, क्लस्टर हो गया. अब क्लस्टर में आइटम्स जो बने वो कहाँ जाते हैं? मार्केट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केट? मार्केट कैसे कहते हैं? सेल. एक जना बोले जहाँ पर प्रोड्यूस बना रहे वो हो रहे हैं, जहाँ पर उसे खरीदने के लिए बायर है, जहाँ पे बायर सप्लायर दोनों.
वेरी गुड एक्सचेंज मार्केट उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर बढ़ाने वाला या बढ़ाने वाले कौन है आर्टिस्ट वो बनाने वाले उस जगह जाते हैं जहां पर खरीदा बेचा जाता है और उपभोक्ता की संतुष्टि होती है ठीक है एक मार्केट प्लेस वेयर द प्रोड्यूसर सेल हिज गुड्स और आइटम्स टू द कस्टमर हू इज द कस्टमर व्हाट इज द बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर कस्टमर मे बी purchase a product but consumer is to consume a product customer cannot very good what's your name it has to purchase what's your name the moment of it moment of it customer is a dukan wala yes sir or consumer end user end user yes yes to raja kaun hai bazar ka who is the king of the queen king of the market consumer who is the queen of the market वो भी रानी कौन है तू भी रानी मैं भी रानी कौन बहेगा पानी कोई मनी ताली बजाइए इसके लिए प्राइस इतनी कोई ना अपनी मांग हम लोग पैसे के लिए बिजनेस कर रहे हैं पैसा नहीं मिले तो तो हु इज द गॉड ऑफ द मार्केट आर्टिस्ट फिर ताली बजाएंगे हम आपको नमन करते हैं अस्सी लाख हमारे यहाँ 80 लाख आर्टिस्ट है और जिसमें 45 लाख जो है वुमेन है 45 लाख वुमेन है जो मजदूरी काम करती हैं जो चूड़ियों पे नंगे लगाती हैं इमिटेशन ज्वेलरी करती हैं कुछ पॉलिश करती हैं कुछ कार्विंग करती हैं कुछ ड्राइंग करती हैं छोटे मोटे काम करती हैं और वो भी घर भी संभालती हैं और खर्चे घर भी चलाती हैं इसलिए हमारे सिखाती हैं स्कूल में कौन पढ़ाता है टीचर और घर में मम्मी माँ बाप नहीं बिल्कुल ठीक कहा माँ संस्कार देती है अब बाप दुनियादारी सिखाता है ठीक है तो ये लोकल मार्केट है आपको दुनियादारी सिखाती है व्यापार की लोकल मार्केट यहाँ कोई बेसिक रूल नहीं है आपका पैसे काम करा देंगे टाइम से पैसे देंगे सब कुछ बहुत तंग होता है क्या आप काम करना छोड़ देते हैं आर यू गिवन अप दिस जॉब आर यू गिवन दी मार्केटिंग आर यू गिवन अप दी प्रोडक्शन नथिंग यू हैव बीन कंटिन्यूइंग विद दैट आफ्टर पासिंग योर प्राइमरी स्कूल वेयर यू गो 10+2 देन वी कॉल इट इज ए डोमेस्टिक मार्केट वी कॉल सारा हिंदुस्तान हमारा डोमेस्टिक मार्केट है जो सक्सेसफुली यहां पर बेसिक चीज सीख के यहां आते हैं दे ग्रो अप वो बढ़ जाते हैं काम करना सीख जाते हैं ठीक है हमारे 29 राज्य हैं उनमें हर मार्केट डोमेस्टिक मार्केट सारा हिंदुस्तान तीसरी क्या हमारी इंटरनेशनल मार्केट ये हमारी यूनिवर्सिटी है ये क्या हमारी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर दस्तावेजों की जरूरत है दस्तावेज यहाँ पर जरूरी है अब तो लोकल मार्केट में भी आगे जीएसटी आने से ये समझ में आ गया आपको याद है ये समझ आ गया चले आगे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को नींद तो नहीं आ रही फॉरेन ऑपरेशन सेंटर लोकल नेशनल एक्सपोर्ट ठीक है ये फॉरेन ट्रेड को कौन चलाता है विदेश व्यापार को कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड
इंडस्ट्री हमारे जो हैंडीक्राफ्ट को सेक्टर को कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है? टेक्सटाइल्स में ऐसा कौन सा विभाग है, कौन सा ऑफिस है जो हैंडीक्राफ्ट को देखता है? डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, विकास आयुक्त हैंडीक्राफ्ट, आरके पुरम वेस्टर्न ब्लॉक, ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में आते हैं हैंडीक्राफ्ट, क्लियर? Setting up a firm in the local market. Selection of mode of operation, selection of goods and services, export marketing. आप local market में आप setup करने जा रहे हैं, क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? R&D करेंगे. Space लेंगे. नीड समझेंगे मार्केट की नीड से. पहले मार्केट का सर्वे करना पड़ता है. मैनेजमेंट की वर्ड है. आप आइटम बड़ा करो, हैंडीक्राफ्ट आइटम काइंड ऑफ है. अगर मैं आपको बिना तड़के की दाल चावल खा लोगे क्या लगाना पड़ेगा? तड़का. क्या आएगा? स्वाद आएगा, मक्खन वाला. समझ में आ गया आपको? बॉन्डेड ऑपरेशन समझ आ गया. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जो है DGFT है. कौन सा है आपका? DGFT. और फर्दर क्वेश्चन आएंगे. चलो, ये हमारा विदेश व्यापार क्यों बढ़ गया है? इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो क्यों बढ़ गया है पिछले 20-25 साल में? इंटरनेट. एक तो हमारे ट्रेड बैरियर्स हैं. जो ट्रेड बैरियर के बारे में बताया आपको किसी ने क्लास नहीं? बहुत मुश्किल है ट्रेड बैरियर. अभी कौन रोज पेपर पढ़ता है, कौन रोज न्यूज पेपर पढ़ता है? डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के बारे में अभी क्या कहा है जो हमारे हैंडीक्राफ्ट को इफेक्ट कर सकता है? सोचो फिर मिलते हैं. इंप्रूवमेंट लॉजिस्टिक्स, ठीक है, लॉजिस्टिक्स जिससे हमारे क्या है कॉस्ट कम हो गई है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की. एनबी इनोवेशन एंड टेक्निकल इंप्रूवमेंट डिजाइनिंग डेवलपमेंट न्यू गुड्स एंड सर्विसेज. ये टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट क्या है? किसके पास ये मोबाइल फोन है? क्यों रखा हुआ है? तीन शब्द विभाग देंगे. नीड है. क्यों रखा हुआ है? कम्युनिकेशन के लिए. और फायदे क्या है? चलो आप तीन शब्द ले आओ. सेविंग ऑफ टाइम, सेविंग योर मनी एंड कन्वीनियंस. फ्यू वर्ड्स, पैसे की बचत, समय की बचत और सुविधा. यही बैठे बैठे ट्रंप ने एग्जांपल दिया है कि हमने डिवीजन पर यहाँ इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा हो रही है, सेम उसी तरह वहाँ भी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाना चाह रहे हैं. इसे वेरी गुड अटेम्प्ट. बट GSP जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस USA की, इन्होंने कहा हम $5 बिलियन का एक्सपोर्ट इस स्कीम के टैक्स होता है. आप जी से पूरे हटा दो, ड्यूटी लगा दो इस ऊपर. एग्जाम्पल लिखने चाहिए दिया है. हाँ जी, एग्जाम्पल ज्वेलरी वगैरह, इंग्लिश ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट आइटम, ऐसे कई ऐसे आइटम ड्यूटी लगे जीरो दे दीजिए अभी. ठीक है, वेरी गुड आंसर. उस पर ड्यूटी नहीं, ड्यूटी लगा दी, लगा दी है. GSP है, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. GSP है तो रेट्स आ गए. हाँ जी, तो उसमें थोड़ा सा वो यूरोपियन ई-कॉमर्स एंड इंटरनेट मार्केटिंग. ई-कॉमर्स से क्या मतलब समझते हो? ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स? इंटरनेट
मैं क्या पूछ रहा हूँ सब इट इज गोइंग थ्रू ऑल इंटरनेट ठीक है इंटरनेट थ्रू होता है चाहे मार्केटिंग हो चाहे कॉमर्स हो बिजनेस हो नाउ व्हाट आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स Doing business with the electronic websites is e-business and doing business online or selling your products online is it is a e-commerce. E-business covers entire your activities of your business. Requesting or publicizing, content marketing, everything is comes. Correspondence, income, e-business. E-commerce, after getting the order, you are entered into another step, that is commerce, selling your product, taking the payment, buying the raw material. Clear? E-marketing is one sort of a, digital marketing you can say, it's one sort of a, फोर पीस आप चार पीस जानते हैं प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्लेस का मतलब क्या है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट प्लेसेस कैसे वितरण किया जाए ठीक है जिसमें फिर कॉटलर की किताब पड़ी होगी तो यू कैन कम आउट मैं भी और आगे नहीं जा रहा कैपिटल मार्केट हमारे यहाँ वुमेन कैपिटल है वुमेन कैपिटल का मतलब क्या है सर वर्किंग कैपिटल जो वर्किंग पैसा चाहिए जो जो आदमी यहाँ पे ज्यादा है काम करने के लिए हाथ से वो वुमेन कैपिटल है ठीक है आपका फिर हो गया है वुमेन स्किल जो काम करने की क्षमता है फिर है नेचर कैपिटल सोलर लगा लो हार्वेस्टिंग पानी बचा लो हाँ ठीक है ये सारा आपका लिंकेजेस हमारा हो गया ठीक है हमारा मार्केट शेयर कितना है ऑलमोस्ट 1.5% वर्ल्ड में जीडीपी कितनी है हमारी 7.2 भी ग्रोथ हो रही है विदेश व्यापार जो है इट इज ए पार्ट ऑफ अवर इंडियन इकोनॉमी इट इज ए पार्ट ऑफ अवर इकोनॉमी इट कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 14-15% टू अवर जीडीपी भारत का जीडीपी 1.23 trillion dollars है ठीक है जो अभी हमारे 5 billion है हमारा जो एक्सपोर्ट्स है कम से कम 270 billion dollars है ठीक है इम्पोर्ट 425 है डेफिसिट है ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिफ्लेक्ट करता है ठीक है आगे चलें कौन पढ़ेगा इसे गूगल रीड क्लियरली टू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड यस प्लीज इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज It includes the same elements as domestic marketing, planning, products, pricing, promoting, and distribution to the ultimate consumers. Yeah. These are the 4 P's. Whether in domestic market or in international market. Okay? Whether in Jumbo Taliga or in Honolulu. Marketing is the same. Okay? Now, what is the process of international marketing? टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द ग्लोबल कस्टमर्स कौन पूरा करता है बाय एक्सपोर्टर इट इज बेटर देन द कंपटीटर आप अकेले एक्सपोर्टर नहीं हो चाइना वाला भी बैठा हुआ है हमारे ऊपर जापान वाला भी जर्मनी वाला बैठा हुआ है विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग कंट्रीज सो एज टू प्रोवाइड कस्टमर वैल्यू ठीक है नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग देयर इज नो डिफरेंस बेसिकली एज वी थॉट मार्केटिंग बट दिस इज एनवायरमेंटल चेंज क्या है कस्टमर बदल गया ठीक है
हमारा उसकी वांट्स बदल गई, प्रेफरेंसेस बदल गए, कल्चर बदल गया, करेंसी बदल गई, टैरिफ बदल गया, कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एवरीथिंग चेंजेस. चीजें तो वही है बट इज डिफरेंट. ठीक है, अब एक्सपो मार्केटिंग मैनेजमेंट द फर्स्ट इज वेदर टू एंगेज एक्सपो मार्केटिंग एक्टिविटीज एट ऑल. क्या हम इसमें घुसे या किसे घुस जाए तो घिसना पड़ेगा अपने आप को. कप ऑफ टी जब पी रहे. सेकेंड, इफ अ फर्म डिसाइड्स दैट इट वांट्स टू डू बिजनेस एक्सपो मार्केट देन ए डिसीजन हैज टू बी मेड कंसर्निंग व्हाट स्ट्रेटजी यू. मतलब हर मार्केट में आप घुस नहीं सकते, आपको एक मार्केट ढूंढनी पड़ेगी. क्या ढूंढनी पड़ेगी? मार्केट अपने आइडेंटिटी से. फिर क्या आपको आखिर में एक मस्ट डिटरमिन हाउ इट इज गोइंग टू सर्व दिस मार्केट दैट इज व्हाट मेथड और सिस्टम शुड बी कॉस्ट इट टू रेट इन हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर. तुमने कौन कौन तरह से घुसना पड़ेगा, कैसे हम कंज्यूमर पहुंचे. नाउ सेल्स एंड मार्केटिंग, इसमें सेलिंग आसान है या मार्केटिंग आसान है? बिना मार्केट के आसान कौन सी है? सेल्स आसान है. जो सेल्स करें हाथ खड़ा करें कि आसान है सेल सेलिंग. हाथ खड़ा करें, एक ही है. मार्केटिंग तुम भी हो, सेलिंग आसान है. आप इधर आ रहे हो मेरे पास. इन्होंने क्या, मैं सेलिंग करूंगी. Now I went to Africa, Burkina Faso, as an assignment for the Ministry of External Affairs. So we gave a product how to go into marketing process. Instead of teaching your basic thing on the marketing business, we tell you go with the item in the market. How you will go? They say, what's your name? Spurshi. Spurshi is telling you, we have to do, so first of all, marketing. I accept your approach. Now, selling. Now, difference between two is very difficult. Yes, sir. Marketing you can do in this room. Internet, you can do this, you can do this. You can do this, you can do this, you can do this. जो सेल्स बॉय होते हैं या सेल्स मैनेजर होते हैं या सेल्स वो होते हैं, यू विल तुम्हें तनख्वाह तब मिलेगी जब तुम 10,000 का ऑर्डर लाओगे. पसीने छूट जाते हैं, जूते खिंच जाते हैं. शाम को क्या होता है? शाम को क्या होता है भाई? क्या ऑर्डर लेके आए? क्या ऑर्डर लेके आए? नौकरी करनी नहीं करनी? प्रेशर प्रेशर. I understand, Mr. G. Alignment for optimal results. Selling and both are important. Marketing focuses the needs of the buyer. जो बेचने वाला उसकी जरूरत को पूरा करता है. It is strategy. ये रणनीति है. कमरे बैक कर लो. Now here are two words you keep in mind. Strategy and tactics. In marketing, you have to follow strategy. You have to go to USA, your strategy will be different. If you go to the Dubai, your strategy will be different. But when you enter into these markets, you have to be
selling focus the needs of the seller. बेचने वाले की जरूरत क्या भैया खरीद ले 10% डिस्काउंट भी है कूपन भी है सब कुछ भी है नेक्स्ट ले ले तू बट इट्स वेरी डिफिकल्ट सर यस दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं ये बात तो समझ में आ रही है बट दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं करने वाले करते हैं क्या प्रोसेस होता है इसमें ये है कि आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है ठीक है कभी आप एग्जीक्यूशन चाहिए मैडम ये हमारा हम अभी लॉन्च कर रहे हैं हमारा ये 500 रुपए का है आप इसको ले जाइए ये हम आपको 300 रुपए देंगे इंट्रोडक्टिव प्राइस इंट्रोडक्टिव प्राइसेस जैसे ब्रिस्टल कॉफी वाले ये करते रहते हैं ये लॉन्चिंग ये सब वहाँ पर ये सब होता है ठीक है इस क्लियर ना डायमेंशन है ग्लोबल मार्केट हम कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहीं इंपोर्ट कर रहे हैं और ये सब ग्लोबल ऑपरेशंस को डील करता है कोई हम कहीं अपने वेयर हाउस बना रहे हैं आपका लिंकेज है कहीं मैन्युफैक्चरिंग है कहीं से रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं कहीं से डिजाइन मंगा रहे हैं कहीं से आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं ऑल दिस कम्स जो ग्लोबल मार्केट ठीक है चले आगे आप मार्केट में क्यों घुस जाते हैं कौन कौन एक्सपोर्ट करना चाहता है सब करना चाहते हैं क्यों करना चाहते हैं पढ़ो यहां से 5 मिनट देन आस्क द क्वेश्चंस Switching name. Yes. ये PLC क्या है? Yes sir, मैं ये कुछ नहीं है. Product life cycle. Product life cycle. ठीक है? मेरा आपने क्या? Why? इसकी life cycle क्या है? इससे better product इस range में नहीं आ जाता. कितनी जल्दी आ रहा है? बहुत जल्दी आ रहा है इसकी तो कितनी एक साल भी नहीं होता होगा क्या मैं आता है तो 2-3 months में ये न्यू फोन लॉन्च कर रही है सर जैसे ये प्रोडक्ट आता है तभी इसके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ नया बेटर लाने स्टार्ट कर देते हैं जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक गुड्स हैं दूसरे आइटम्स हैं इनकी लाइफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शॉर्ट हो गई विद दिस वर्ल्ड कंपटीटिव वर्ल्ड ठीक है ये सब समझ गया कि कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए Achieving economic Achieving economic scale. हाँ, ये सब good question. किसने पूछा? हाँ, सब ने. हाँ, सब हो रहा है. मैं आपको 1 लाख पीस का ऑर्डर देता हूँ. हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं. अब मुझे 3 महीने में चाहिए. क्या पॉसिबल है यस सर हाउ सर हमारे पास प्रोडक्शन हमारे पास इतना मतलब ऑलरेडी प्रोडक्शन यूनिट है और हम कैपेबल हैं कि हमने पहले भी ऐसा किया है हम अब भी कर लेंगे इसको और लीड टाइम इतना ही रहता है हमेशा कोई हैंडक्राफ्ट के लिए 90 डेज तो रहता ही है इट इज डिपेंड ऑन प्रोडक्ट एंड कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री ठीक है आप जवाब दे दिया जी इन हैंडीक्राफ्ट आई नो यू आर पॉजिटिव यू आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दी फुलफिलिंग योर ऑर्डर जी बट इन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो अप विद दी ऑर्डर आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल इन ट्रेड फेयर एग्जीबिशंस सम जापानीज फेलो गेव ऑर्डर ऑफ अबाउट 5 lakhs ऑफ अगरबत्ती स्टिक्स टू त्रिपुरा एजेंसी ओके बैंबू त्रिपुरा में गया था मैं अगरताला में वहां के एनएबीसी ने सबने जोर लगा लिया उसको फाइनेंस भी कर पुश कर दिया वो ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पा रहा क्योंकि इट्स मेड बाय हैंड इसमें क्वालिटी आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं नहीं भी कर सकते
क्योंकि हाथ से कोई ना कोई वेरिएशन आया है। जी सर। कभी आपने बचपन में कहानी सुनी है, भूल कहाँ हुई, भूल कहाँ हुई? एक मूर्तिकार था, बहुत नामी धामी था, उसको सपने में आया कि तेरी कल मौत होने वाली है, यमराज आने वाले हैं, तो तैयार हो जा। उसने उसी प्रकार की 10-12 मूर्तियां बना दी बिल्कुल, और उसमें जाकर वो खड़ा हो गया। यमराज जी आए, अरे कौन सा वो है मूर्तिकार जिन्हें पकड़ के ले जाओ, तो सभी एक से बढ़िया 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 है। और यमराज के पास गए सर, वो तो पता ही लग रहा कौन है, अरे उसकी तारीफ तो कर तू। भूल बन जाओगी। ये पंचतंत्र की कहानियां हैं जो हम अभी भी पढ़ते हैं। इसका बहुत, मैं अगर लेक्चर देना शुरू करूं बात नहीं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहना, ठीक है? मैं भूल गई, मतलब ये यू कैन नॉट एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स के अंदर कितने आप निकाल सकते हैं, इट्स नॉट मेड बाय हैंड और मशीन, बाय हैंड। बी केयरफुल अबाउट गेटिंग द ऑर्डर, कितना एक्सपीरियंस। कई ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं जो फुल नहीं कर पाए, ठीक है? स्टार्टिंग एक्सपोर्ट बिजनेस, सबसे पहले आपके वाइफ शुड यू एंटर इन एक्सपोर्ट बिजनेस, हाउ टू ओवरकम लैक ऑफ एक्सपोर्ट माइंडसेट, क्या करोगे? जितने भी मुरादाबाद में बड़े अच्छे नामी धामी एक्सपोर्टर हैं उनसे बात कर, देखो कैसे एक्सपोर्ट किया। सर सबके अपने अपने रीजन है, सब अपने अपने रीजन देते हैं। और किसी से आप बात करने जाओ, मतलब मैं आपको अपना एक इंस्टेंस बताता हूँ। मैं एक साहब के पास गया, उनसे मैंने बात करी, उन्होंने कहा एक्सपोर्ट करना है। नहीं, 50 लाख रुपए 3 साल के तक के भूल लो। अच्छा। मतलब उनका ये जो उन्होंने ये बात जो बताई, मैं काफी देर तक सोचता रहा, 50 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, नहीं कर सकता अरेंजमेंट कोई, और वो भी 3 साल के लिए ब्लॉक कर दो, बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे वो बात आज तक समझ में नहीं आई, वो उन्होंने पॉजिटिव में कही थी या मेरे को मेरा मॉरल ब्रेकडाउन करने के लिए बोली थी? ब्रेकडाउन करने के लिए। कोई भी जवाब लो, बड़ा सिंपल सा, कोई भी अपने सीक्रेट बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा, और अपने काम को मुश्किल ही बताया, बेकार है मत करो, कुछ नहीं रखना। मैं प्रगति में जाना 1984 से 2000 तक IFDF में आई वर्क इन ईच ऑफ पॉलिटिक्स फॉर अबाउट 3 years, so we have been deputed there in DGIP, delivery organization, to impart information about this. तो ऐसा हमने एक्सपोर्ट करना है, मैं बताइए क्या करना है, कहाँ से पढ़े हुए हो? मैं सर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से, मैं आर्किटेक्ट हूँ। मैं आपको वहाँ वहाँ सभी सर बस वाह, मुझे तो क्या एक्सपोर्ट के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, माइंड हमारे आईपी में हमें प्लानिंग कमीशन 25 लाख रुपया दिया गया कि आप रीजनल लैंग्वेजेस में जाके हिंदी विदेश विभाग को पढ़ाओ, हमें पकड़ लिया। मैं यूएसए से आया था, क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा, चलो वहां जाना है। कहां पर जी? वो गुवाहाटी। अच्छा जी, आज कुल्लू, आज मैं उस इंडिकेशन ऑफ ये एक्सपोर्ट बिजनेस में रहता हूं। आप हिंदी में पढ़ाए, मैं फर्स्ट टाइम सुना कि हिंदी में पढ़ाया, 400 रुपए आप मेरे को लंच भी कराएंगे और 4-5 दिन पढ़ाएंगे, मैटर भी देंगे, सब कुछ होंगे, 500 दिन रखूंगा, ठीक है? तो वो सीखने के लिए जरूरी है, कोई MA डिग्री पास नहीं, कोई कुछ नहीं, मास्टर डी एफ टी MBA मिसाले, आपको मालूम है ताना चलाता था। ऐसे कई कहानियां हैं, रौनक सिंह अपोलो वाले, कोई मैकेनिकल टायर चलाते थे लक्ष्मी मनोहर में, उनके अपोलो कंपनी हैं, ऐसे कई ऐसे एक्सपोर्टर हैं। वो मेरे को आया, मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कहा हमने एक मार्केट सर्वे किया वेस्ट एशियन कंट्री, वेस्ट एशियन कंट्रीज के ऊपर, हमने कहा तुम क्या कर सकते हो, जो कहोगे
हमने एक स्टडी करी थी आईएफटी में कि हमने क्या तुम ऐसा करो मंगोड़ी वगैरह होती ना बड़ी वगैरह ये आपको खाली पाव में मिल जाएंगी उसकी पैकिंग ऐसी होती ये आईसी कोड ले लो ये कर लो आप कर लो दो तीन साल बाद वो वहां पर आ गया सर धन्यवाद मैंने किस बात कर दी मैं दुबई घूम के आया मजा आ गया क्या कमाया कि कमाया मैं पता लगा क्या है एक ने बर्तन बेचे उसने ईसीजी गांधी नहीं ली वैसे ही मां भेज दिया ऐसे कई कहानी मिलेगी तो मतलब है इसमें क्या आपका जो रीजन हुई ये आइटम वगैरह लिखे हुए हैं मार्केट लिखती है कौन सा आइटम है सारी आपको सूचना मिल गई है आप मैं चूहा कौन कौन पकड़ता है घर के चूहे की बातें कर रहा हूँ मैं माउस की बात कर रहा हूँ यही माउस है इसके बिना काम कर सकते हो ये गणेश जी का माउस है गणेश जी का माउस है ठीक है इनकी वेबसाइट पर जाइए आप सारी डाटा मिल जाएगा आपको कौन से मार्केट में कितना शेयर है कौन कौन सा आइटम सब मिल जाएंगे आपको सब मिल जाएगा फॉर एक्सपोर्ट हमें एक्सपोर्टर बनने के लिए क्या चाहिए क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए ठीक है जीएसटी अच्छा आईसी का मतलब क्या है ताली बजाई इनके लिए टर लगा दिया मास्टर इंस्पेक्टर बॉटर बनाते हैं ठीक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ नहीं है टर लगाना इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर कौन इश्यू करता है डीजीएफटी हेडक्वार्टर ये सर किसने बोला अपना एक हाथ से कान पकड़ लो रीजनल ऑफिस ऑफ डीजीएफटी क्या चीजें रीजनल ऑफिस मुरादाबाद में ऑफिस है आपको दिखाई पड़ना ज्यादा जाएगा ठीक है और क्वेश्चन आएंगे ठीक है आईसी कोड ले लिया ठीक है आईसी कोड ले लिया दूसरा आइटम क्या होता है हमारा हमारी वो जीएसटी सब ले लिया अभी भी आगे चलेंगे ठीक है हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में कौन देखता है सारे हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट ही देखता है डॉक्टर के पास जाओ फ्री में देख लेते हैं तो मेंबरशिप आरसीएमसी आरसीएमसी मतलब ऑनलाइन मिनिस्ट्री ऑफ बीजेपी का जो ऑनलाइन मिलेगा आप किसी पत्र नहीं देंगे ठीक है बिजनेस शुड नो योर आरटीजीएसएस कोड ये आरटीजीएसएस कोड क्या है हर आइटम के लिए इंटरनेशनल वाइज सिक्स सेवन डिजिट कोड सबके लिए फिक्स है एट डिजिट ग्लास के लिए हार्मोनाइज सिस्टम ठीक है मैं प्राइम स्टूडेंट जनरल था फिर मोटर आया था पहले ऐसा था कि क्लास था ब्रुसेल्स टाइप नॉमेनक्लेचर ब्रुसेल्स टाइप नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर होता है एटेंस हार्मोनिक सिस्टम नॉमेनक्लेचर हार्मोनिक सिस्टम नंबर कर रहे हैं ना नॉमेनक्लेचर टैरिफ कोर्स वगैरह आई टी में था इंडियन टैरिफ टैरिफ कैलकुलेटर टैरिफ कैलकुलेटर हार्मोनिक सिस्टम कोड ठीक है ये जानना बहुत ही जरूरी है क्या जानना जरूरी है इंडियन हैंडीक्राफ्ट और इंटरनेशनल इंडियन टाइप क्लासिफिकेशन ये 8 डिजिट तक है क्या चीजें पहले दो चैप्टर हेडिंग दो जो हेडिंग है जैसे मैं बुला लूंगा आपको
और ये मेरे पास जो है कौन से हैंडीक्राफ्ट वाले पहले तो किचन वेयर दे लूं चैप्टर हेडिंग है क्या आपका चैप्टर फर्स्ट टू डिजिट जो है चैप्टर हेडिंग है इस आईटी क्षेत्र स्कोर में 98 चैप्टर्स हैं इस जो मैं बता रहा हूँ ऐसे क्लास के लिए हम 25-30 हज़ार रुपए लेते हैं सर आप सुने ध्यान सुने अभी एग्जाम होगा लंच के बाद ठीक है तभी आपको समझ में आएगी आपने क्या क्या सीखा है ठीक है फिर है 23 ये 74 टू और हेडिंग जुड़ गए ये डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम हो गए ठीक है इसमें लिखा हुआ है अदर थ्रेशोल्ड आर्टिकल्स ठीक है उसके बाद 4 डिजिट और ऐड हो गए तो उसने टोटल डिस्क्रिप्शन लिख दिया टोटल डिस्क्रिप्शन क्या है आपका अदर हाउसहोल्ड आर्टिकल्स ऑफ आयरन नॉट एज वेल स्पेसिफाइड देन कास्टर एंड स्टील एनेबल्ड फिर है 74, 18, 1, 10, 21 ऑफ ब्रास फिर 22 कॉपर का फिर 23 कॉपर ऑयल्स ये मतलब सब ऐसे हैं ये आपको बहुत जरूरी जानना है इसके बिना आप नहीं बिजनेस कर सकते हैं हाँ ये बहुत ही जरूरी है इसको पढ़ाया नहीं वैक्सीन है पढ़ाया था क्योंकि ये कमर्शियल इनवॉइस में शिपिंग बिल में ये आपको डालना ही है बिल्कुल बताया ठीक है इंसेंटिव भी मिलेंगे ड्रॉबैक ये सब कुछ मिलेगा चले आगे दिक्कत तो नहीं है उसने ये सेवन बनाए आपका स्टाइल क्या है स्टाइल मतलब है ये सेवन सी कैसे है ठीक है आप कैसे एक्सपोर्टर हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर में क्या अंतर है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर और मर्चेंट एक्सपोर्टर क्योंकि इसमें आने के लिए आपको कलात्मक ज्ञान समझते हो शिल्प ज्ञान और विभाग की व्यापार इच्छा ये तीन शब्द याद कर लो आपको इस बिजनेस में आने की क्या आने की कलात्मक ज्ञान आर्टिस्टिक फिर आपका शिल्प ज्ञान हैंडीक्राफ्ट फिर आपका आ गया दोनों को मिला के आपका आ गया आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप व्यापार की क्षमता व्यापार इच्छा व्यापार की लक्ष्मी जी की सवारी कौन है उल्लू ठीक है लक्ष्मी जी कहां बैठती है किसकी पत्नी है विष्णु भगवान जी विष्णु भगवान जी कहां बैठते हैं नाक पर नाक पे शेष नाम और लक्ष्मी जी कहां बैठते हैं चरणों में ये क्या संदेश देता है आपको भाई साहब जी हेरा फेरी मत करना लालच बुरी बला है बी ऑनेस्ट करप्शन नहीं करना नहीं तो क्या होगा क्योंकि अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे को मैं नहीं कहूंगा ठीक है ये काम तो पता है
ये आपको आना चाहिए इस व्यापार में आने के लिए। सिस्टम क्या है, ISO कंपनी है नहीं है, कैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा सब कुछ है, स्टाफ कैसा है जी, आप अपना व्यापार शुरू भी करोगे, यू हैव टू फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी कंपनी सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस यस सर। ठीक है, रणनीति रणनीति बनाना आसान है लेकिन उसका एप्लीकेशन जो है इंप्लीमेंट करना अपनी रियल लाइफ में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे ही आप एक्सपोर्ट में जाते हैं वहां का बेसिक डिफरेंस क्या है एक भी आगे बताऊंगा आपको। चलो कैसे आप इसको मार्केट जाएंगे, सॉफ्ट पेस्टल टीपी आज ये प्रो गांव की तरफ एक दो तीन सॉफ्ट एनालिसिस के बारे में बताया आपको, आपको मालूम है SW किसमें हमारी इंटरनल है और अपॉर्चुनिटी क्या क्या है इसके बाद आउटसाइड एक्सटर्नल। ठीक है, हमें ढूंढनी पड़ेगी हमारे में क्या स्ट्रेंथ है। मैं पीतल नगरी में हूँ, हर चीज मिल जाएगी मेरे को, रॉ मटेरियल भी, कार्ड कारीगर भी, आइटम भी, एवरीथिंग यू कैन हायर, कंपटीशन भी मिले, एवरीथिंग यू कैन हैव इट हियर, बट हाउ टू वीकनेस क्या है, मैं बेच नहीं सकता, आई कैन गुड एक्सेस टू मार्केट इंफॉर्मेशन, पैसा नहीं मेरे पास, क्या करूं मैं, फिर आपका जो एसडब्ल्यू फैक्टर है जी वो हमारा जो है अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं सारा संसार में, हमारा हम 24,000 करोड़ रुपए का निर्यात करते हैं, कितना इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आप अगर देखो 24,000 करोड़ का निर्यात करते हैं और उसमें 56,000 करोड़ रुपए का उत्पादन करते हैं, हैंडीक्राफ्ट बता रहा हूं मैं, किसकी बदौलत हम निर्यात कर सकते हैं, दस्तकारों की बदौलत, और आप जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मार्केटिंग मैनेजर, एक्सपोर्ट मार्केटिंग मैनेजर, क्योंकि मैंने डीसी हैंडीक्राफ्ट के नेशनल सेमिनार और स्टेट लेवल के कई वर्कशॉप मैंने एड्रेस किए, ई कॉमर्स के ऊपर आपका वैल्यू बहुत चीजें कही है मैं सर 10-15 साल में, तो वो कहते हैं हमें ऐसे एंटरप्रेन्योर आर्टिस्ट चाहिए इस 21वीं सदी में जो कुछ इसकी भी नॉलेज रखते हैं, क्योंकि कई लोग छोड़ते जा रहे हैं काम, तो दूसरे के जो अनपढ़ हैं, जो दूसरे हैं उनको स्किल दिए हैं, क्योंकि जो ये हमारी जो दस्तकारी है ये जनरेशन जनरेशन चलती है, चाहे माने या ना माने, हर जना कोई वो फूल नहीं बना सकता है। क्या यू कोई यू नहीं बना सकता पड़ा पड़ा कोई यू नहीं बना सकता वहां राजस्थान में, ये तो बात यू, जबकि हम स्कूल में सिखा देते हैं, जबकि हम
स्कूल में बच्चों नर्सरी में सिखा देते हैं, हम क्या कहते हैं भैया ये देखो गणेश जी, इसका मतलब क्या है? माथा थोड़ा बिग थिंक सबके सुनो, एक हाथी का सूंघ, सूंघो वहां क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, एक दांत ये आपका हथियार है, कोई हाथ मरोड़ रहे तो उसको भी हाथ मरोड़ दो, ये टमी मोटी है, पैसा इकट्ठा करो, नॉलेज इकट्ठी करो जो आपकी जिंदगी में काम आएगी, जो आपके जिंदगी में काम आएगी। ये कौन है? इसको भी खिलाओ भाई, हमारे कारीगरों को भी हमने रखना संभाल के। अभी मैं एक हमारे डीन थे बटालियन की किताब लिखी है आपसे, लिखी है मिस मार्शलाइज मैनेजमेंट, मिस मैनेजमेंट बी बटालियन के वेल्सन वो है, वो आपने सुना अभी विश्वास कुमार की कहानी कुछ व्हाट्सएप पे कुछ आया कि उसने राम राज्य जो है लंका पे हनुमान जी गए ये गए वो गए, वो सब मैनेजमेंट की बातें बताते हैं, क्या सुनाता है मैनेजमेंट की बातें बताते हैं। कई चीजें हमारी जो पेस्टल क्या है, पेस्टल सॉरी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल टेक्निकल वेरी गुड लीगल ठीक है, और ईपीआरजी अप्रोच क्या है, ईपीएच में एथनो सेंट्रिक, जो हम यहां बना रहे हैं वही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वही आइटम हम उसमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें हम ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहे। पॉलीसेंट्रिक, जितने भी इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो पॉलीसेंट्रिक हैं, अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस वी मेक सम चेंजेस इन दैट, पर्टिकुलरली इन टेक्सटाइल बेस्ड हैंडीक्राफ्ट आइटम। आर रीजन सेंट्रिक, रीजन किस हिसाब से, रीजन हमारे यूरोप नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका एशिया नॉर्थ ईस्ट सॉरी यूरोप यूरोप लाइया आपका एशिया हो गया आपका, फिर ये लैटिन अमेरिका हो गया अफ्रीका हो गया, छह सात है उनकी, उसके हिसाब से करना पड़ेगा, तो प्रेफरेंसेस देखनी पड़ेंगी, ये सब कुछ देनी पड़ेंगे। ये आपको मैंने जस्ट जैसे इलस्ट्रेट किया है, जबकि हम एमबीए क्लासेस में पढ़ाते हैं मोस्टली चीजें, क्योंकि आप भी ऐसा कोर्स कर लोगे फिर हमेशा एथनिक आइटम हमारे जो एथनिक आइटम है जो इंडिया आइटम्स है टेक्सटाइल बेस सब कुछ हमारे हैं, तो वो उनकी मार्केट में बहुत डिमांड है ठीक है। ये सब आ गया आपको, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड आ गया, और इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, एक जना जवाब जीएसटी नंबर एंड पैन कार्ड और जो आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन हो इसमें केवाईसी होना पड़ेगा ठीक है, बैंक में केवाईसी एंट्री है, और बैंक आईडी आप उद्योग आधार के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑनलाइन, एसएमई सुना ना उद्योग आधार एसएमई का बेनिफिट रहेंगे उद्योग आधार, उससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे। आप लोग यूट्यूब देखते हैं उसमें डालो हाउ टू बिकम ए उद्योग आधार,
आपको पूरी डिटेल बता देगा। ठीक है, चले आगे। सर्विस प्रोवाइडर हो चाहे मैन्युफैक्चरर हो, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं, बहुत मान्य है। अब माँ के इंटरेस्टेड नहीं, इनकी वेबसाइट पे जाइए प्लीज, इनकी वेबसाइट पे जाइए, करंट मार्केट पोजिशन बताई जाएगी, मार्केट कंपोजिशन बताई जाएगी। तो ये क्लस्टर दे रखे हैं कहां कहां बनते हैं। ठीक है, पता नहीं मैं जब वहां से लेके आऊं दिल्ली से। मुरादाबाद यूपी, आठ मीटर सहारनपुर वुडन हैंडीक्राफ्ट, जोधपुर का वुडन रॉड आयरन नेशनल यूनिवर्स, नसपुर लेसन ब्रेस प्रोडक्ट, ऐसे जब आपके हैं। एक क्लस्टर की फोटो दे रखी है, क्लस्टर का एक्सपोर्ट है, कौन कौन सी कंट्री को आ रहा है, सारी सारी मार्केट पोजीशन यहाँ मिल गई आपको, सारी सारी पोजीशन यहाँ मिल गई है। फिर मार्केट एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है, अब बाद में अभी पे क्यों है। ठीक है, मार्केट इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है, अरे लगातार मार्केट बढ़ रही है। आपने फतेहपुर सीकरी नाम सुना होगा, जी सर, हाँ जी, वहां दरियां बनती हैं, क्या बनती हैं, दरियां डिजाइन वगैरह होती है, कार्पेट वगैरह। तो वहां पर डीसी हैंडीक्राफ्ट बुलाया था नेशनल लेवल पर, सफल के लिए नेशनल लेवल पर, तो मेरे पास वहाँ ऐसे आपके गर्ल्स एग्जाम एंट्रेंस आई, कट 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 नहीं, मैं क्या करोगे इसका, कहती हम उसकी ई मार्केटिंग करेंगे। मैंने क्या क्या प्रोसेस होता है तो बता दो, मेरे को पता नहीं है इसका, बनता कैसे है, कैसे है, कहते ये है मैंने पता। हम तो इसके फोटो भी नहीं है, कोड करेंगे, प्राइस करेंगे, फिनिश और लॉन्च कर देंगे, बाकी हमें कुछ नहीं पता। लेकिन आपको एक्सपोर्टर बनने जा रहे हो, आपको सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, आर्टिस्टिक ज्ञान होना चाहिए, व्यापार की बात करना चाहिए, सॉफ्ट एनालिसिस होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, ईपीजी अप्रूव होना चाहिए। आप एक चीज नहीं करने जा रहे हैं, आप जब मार्केट में उतरेंगे ना, पता नहीं कौन सी किस टर्मिनोलॉजी बोल पड़े, कौन सा कुछ प्रॉब्लम। मैं वो बात कर रहा हूं जो मैंने धक्के खा करके पैर गिर गिर सुने, मैं भी कंफ्यूज होते कई बार, ये क्या बोलता, समझ गया। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर सबके पास है, उसका दिमाग कहां है, हार्ड डिस्क में बोलो, अकल बड़ी की दिमाग पड़ा, अकल बड़ी की दिमाग पड़ा, क्या अकल बड़ी की भैंस बड़ी, और जिसके पास एक दोनों ना हो कैसे काम करेगा, सबके पास दिमाग के, सबके पास अकल है, लेकिन मौके पे पता नहीं घास करने चल जाती है, पानी पिल जाता है बड़ों बड़ों का, और जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है वो किसी काम करेंगे, तो दिल से काम करते हैं, क्या करते हैं, दिल से काम करते हैं, दिल में हिम्मत होनी चाहिए। मैं क्या क्या डायलॉग है, पता नहीं क्या क्या, कई पिक्चर देखी हुई आपने, कई मैंने ऐसे दस्तकार देखे, मैंने एक लड़का देखा था बिलाल अहमद ऑफ फेसबुक पे, वो मेरे से दो तीन बार क्लास अटेंड करने आया वहां पर आगरा में, मैं दिल्ली जाता था एच आर डी प्रोग्राम बनाने, इस बिकम ए एक्सपोर्टर, और मेरी कहता सर मैंने आपसे सीखा है,
किताब दी थी पढ़ के आप मिला मेरी कोई सर वेस्ट हैव ऑर्डर्ड शॉक एनालिसिस फ्यूचर बेनिफिट्स यूएस यूनिसेलिंग का आपका आइटम क्या है आप मेरा यूनिकनेस है मेरा डिफरेंट है मेरा मुरादाबाद का बना हुआ है स्टाइलिश है प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं यहाँ पर डिजाइन सेंटर भी है डीसी हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर हम नए नए करते हैं और नहीं तो हम कंप्यूटर पर जाके वेबसाइट डालकर गूगल करते हैं उसका एनालिसिस करते हैं मार्केट एजेंसी क्या बढ़ने वाला क्या किस एरिया में फिर मार्केट सेगमेंट जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं उनका कोई सेगमेंट नहीं है हर एक चीज का सेगमेंट अलग अलग होता है हर आइटम का बच्चे पहनेंगे या जवान पहनेगा या शादी पर जाएगा या कल्चर पर जाएगा या डेकोरेटिंग जाएगा या पेंटिंग में जाएगा या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में वॉल पे लगेगा कहाँ क्या लगेगा यू हैव टू जस्ट डिफाइन योरसेल्फ द सेगमेंटेशन पोजिशन स्ट्रेटजी हम तो मल्टीनेशनल कंपनी को ढूंढेंगे हम छोटे मोटे को ढूंढेंगे पैसा अच्छा मिलता है जैसा कहेंगे हम काम करेंगे ठीक है ना जैसे जब शादी हुई थी ना उसकी ऐश्वर्या राय बच्चन की ऐश्वर्या राय की तो उन्होंने बनारस वाले के लिए हम इतना बना के लेंगे वो साड़ी अब बड़े बड़े डिजाइनर जो होते हैं ना बड़े बड़े वो होते हैं हम बना के लेंगे पब्लिसिटी के लिए तो अभी शादी किसकी दीपिका और उसकी रणवीर सिंह ऑप्शन जी जाएगा पद्मावती को सुना ना तो वो प्रोडक्ट पैकेजिंग प्रोडक्ट पैकेजिंग एक बेसिक क्वेश्चन पैकेजिंग मतलब सुनो मालूम है ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैकिंग एंड पैकेजिंग क्या डिफरेंस क्या है पैकिंग पैकेजिंग में अब जवाब दो सर पैकिंग का मतलब खाली प्रोडक्ट पैक होना और जो पैकिंग मतलब एक पूरा उसका सर जैसे कार्टन टाइप बॉक्स सर इधर और मास्टर का ये क्या है बिहार में ये इनर पैकिंग है प्लास्टिक बोतल में अगर मैं कहूँ पानी लिया तो चुल्लू बटना ढूंढना पड़ेगी मैंने जो ये लिखा हुआ है ये आपकी पैकेजिंग है पैकेजिंग है पैकेजिंग इनर है क्या दिए इन साइड थर्मो शीट है आपका वो प्लास्टिक पेपर है क्या क्या है और हैंडीक्राफ्ट आइटम में तो जो हाँ बिल्कुल ठीक है बोरी में लगा के हो गया तो सबको बटवाओ नहीं ये देखना पड़ेगा है नहीं ये टेबल तो होगा मंगा देंगे बाद में सब कोरियर करवा देते कोई कोरियर नहीं मिलेगा कोई कुछ नहीं करेगा आई वुड हैव बीन इन द फर्स्ट क्लास आई वुड हैव गिवन योर प्रोजेक्ट यू गो टू योर वेबसाइट जस्ट गिव मी योर डिटेल्स प्रिपेयर ये हाथ है हैंडल विद केयर भरोसा इसका मतलब क्या है किसका सर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये नहीं एक जगह जमीन से आसमान पर एक जगह खाली है पूरा पैक फुल्ली पैक ठीक है ये सीधा है ये डिब्बा नहीं इंडिया का डिब्बा यहाँ से खुलेगा इसमें कोई इस तरह से रखना एक ढक्का नहीं यहाँ से खुलेगा
ठीक है। बाकी दूसरे होते हैं कि इसको मटेरियल यूज कर लें, रिसाइकलिंग के लिए भी निशान है इसके, ऐसे निशान है रिसाइकलिंग के लिए भी। इसको पढ़ने के लिए कोई डिग्री चाहिए? नहीं सर। कोई लैंग्वेज चाहिए? नहीं चलता। एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड दीस सिंबल्स प्रैक्टिकली? दूर से देखे से मतलब ये है, चाहे वो जापानी हो, चाहे जर्मन हो, चाहे अफ्रीका हो, कोई भी कुछ हो, तमिल भाई हो, ठीक है जी सर। ठीक है, ये चाहिए चाहिए आपको। एक स्टूडेंट थी बिहार की, मैं यहाँ पर पढ़ाता था, मैंने क्या काम करती हो तुम? वो दस का थी। वो कहती है सर मैं वहां पर सफाई करती हूँ मेजों पे, वो इमिटेशन ज्वेलरी में काम करती है। उसको लेक्चर दिया था सब कुछ, तो उसने जाके वो इन जगह की खाली नहीं हुई, उसको कहती मेरे 2000 रुपये मिलते थे, खाना मिलता था। जब मैं 2 साल में तुम क्या करनी है तो कोर्स करती कहती सर मैं तो मिलने आई थी आप। मैंने क्यों? कहती मेरी तरक्की हो गई। इतनी क्या? कहती मेरे पैकर की जगह मिल गई, मेरी 4000 तनख्वाह हो गई। मैंने इंटरव्यू पूछा क्या इसका मतलब क्या है, मैं बता दिया आपको। कहाँ तक पढ़ी हो जी? 8वीं पास। कैसे सफाई करती हूँ, कैसे उसका पापी पेपर लगाती हूँ, कैसे बारकोडिंग लगाती हूँ, आपने बताया टैग, टैग क्या चीज होती है, लेबल क्या चीज होती है, सारी चीजें पूछी। मैं सब जवाब दे दी, मेरे 2000 बल्कि मैं कुछ भी व्यक्ति हूँ, बहुत से पैकेट लगे हो। तो ये सारे हो गए ही हो गए, ठीक है। ये पैकेज, ये पैकेजिंग का पार्ट है, जैसे इन्होंने बताया था क्या नाम था, पैकेजिंग का पार्ट है ये। लेबल, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लेबल एंड टैग? सर लेबल में सारी इंफॉर्मेशन होती है, ग्रॉस वेट, टैग वेट और टैग रहता है। टैग में सिर्फ खाली हमारा बारकोड और प्राइस, ठीक है। टैग में लेबल, लेबल क्या होता है, स्टिच कर देते हैं जी सर। हमने क्या स्टिच कर लिया या क्या एड्रेस लिख दिया? रामपुर। किसका है? किसको जा रहा है? जी सर। ओरिजिन ऑफ द कंट्री, ओरिजिन द पोस्ट, डेस्टिनेशन टू, ये सारी जो डिटेल्स है यहाँ लिख दी हमने। जाना है यूएसए, जाना है यूएसए में किसी जगह जाना है, इंडिया से गया, बॉम्बे पोर्ट से गया, ओरिजिन ऑफ कंट्री इंडिया से गया, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन यूएसए, लॉन्ग बीच। लॉन्ग बीच देखा आपने टीवी पे? एक सीरियल आता था बे वॉच ऐसे कुछ आते, मैं लॉन्ग बीच देखा हुआ ऐसे, बहुत मिस्ट प्लेस है, ठीक है। इसके लिए मटेरियल चाहिए, कैंची चाहिए, क्या चाहिए? कैंची, इंच टेप, प्लाई का साइज, टेप कंपनी का लगाने के ऊपर से लेके स्टेपलर पिन लगाने के लिए टूल किट से, ये मैंने मोटी मोटी बातें बता दी, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट ऑफ ब्रास का है, उसमें कोई निशानी होनी चाहिए। जैसे स्पेसिफिकेशन है बायर की, अकॉर्डिंगली यू हैव टू पैक द मटेरियल, क्योंकि बारकोडिंग होलसेलर यूज होती है, रिटेलर के लिए क्या होती है, रिटेलर के लिए। मिटा दूं मैं? हाँ बोलो। कौन एक्सप्लेन करेगा कहाँ पर चलती है? जैसे कोई पिक्चर का चल रहा है, कोई सेट चल रहा है, कई एग्जीबिशन लगनी है, कई ऐसी चीजें बनी जो पुराने जमाने में चलती थी, अभी आप अपने कपड़े देख लो, मोहनजोदड़ो वाले कपड़े पहन के आती हैं फिल्मी स्टार टीवी के ऊपर, नहीं देखते हैं जी? आप फटी जीन पहन के आते हैं, तो डिमांड करना है आपको एक सेट ऑफ इंटरवेल का ट्रीटमेंट प्राइस, क्योंकि ये प्राइस जो है आपका प्रॉफिट है, पी फॉर प्रॉफिट।
ये आपके कॉस्ट प्लस स्ट्रेटजी क्या है कि आपने आपने एक कुर्ता बना लिया, ठीक है, पहले वो जो ठीक है ये बना लिया कुर्ता, जितना आप इससे एम्ब्रॉयडरी चिकन करेंगे, चिकन का काम करोगी या जरदोजी का काम करोगी, कौन सा कपड़ा फैब्रिक लगेगा, कौन डिजाइन करेगा, कौन स्टिच करेगा, कौन सी मार्केट में जाएगा, जितनी जितनी आप लागत लगा दी जाएंगी वो आपकी प्राइस कंप्लीटली प्राइस बड़ी जबरदस्त है। मैं सहारनपुर में पढ़ा रहा था, एक लड़की लेडी कहती है जो आप 35-40-45 हजार में लहंगा चुनरी खरीदने कराओ बाग में, मैं आपको 25,000 में 20,000 में बना लूंगी, मैं कपड़ा का इन्फिनिट हो गया, कहते नहीं आप बचा नहीं पाएंगे। तो कंप्लीट प्राइस बहुत जरूरी है। पेनिट्रेशन प्राइस का मतलब क्या है, मार्केट में एंटर करने के लिए कि हाई प्राइस रखेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है, हमारे हाथ में ये मोबाइल फोन है, Alibaba.com देख लो, eBay देख लो, मैंने इनके सब प्राइस लिखे हुए आते हैं, बड़ा कंपटीशन हो गया, ठीक है ना, वो बड़ा मुश्किल हो गया प्राइस कोट करना भी। मेरा लड़का भी एक्सपोर्टर बना, उसको ऑर्डर मिला, ब्रास की कुछ कटोरियां मिली, चाइना के लिए पीट टेबल वो मिली, उस पर एक रेस्टोरेंट खुलना था किसी दोस्त ने, क्या हुआ दिल्ली में जो फैक्ट्री बंद कर दी थी वो उसका ऑर्डर मिल गया, उसने चाइना से ले ली, चाइना से ले ली, मुश्किल हो गया। तो मुश्किल पर सेम वैल्यू प्राइसिंग, बड़े बड़े लोग जो होते सेलिब्रिटीज वगैरह ब्रांड होती है वो कोई आपकी प्राइसिंग जो है वो ब्रांडिंग जाते हैं, कहते हैं ब्रांडिंग, ब्रांड का मतलब क्या है, ब्रांड एक क्वालिटी देता है सर, इसलिए क्वालिटी से वो ब्रांड बनता है। हाँ जी, और इसलिए सर वो जो प्राइसिंग वाली बात आती है वहां पर वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जो ब्रांड को प्रेफर करता है वो पैसों को नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल, तो ब्रांड को कौन लाइक करता है, ब्रांड को कौन लाइक करता है, जो एक क्लासेस में कब बोला था ठीक है, हम वही ये ना दोनों तरह के लोग हैं, ठीक है, तो वो आपका कौन प्राइस देगा, वो ऑन आप देख रहे ब्रिटिश वगैरह बने हुए हैं कई सब फील्ड, ये पीस ये डिजाइन करनी है उन्होंने, ये मैं ही करूंगा, ये मेरे लिए बनेगा, वो चीज है ब्रेक इवन पॉइंट, भैया ना नुकसान हो ना फायदा, ये वर्ड सुने उन्होंने, यस सर, ठीक है सुने, वेरी गुड। बॉन्ड के इसमें हम लोग जो है ड्यूटी नहीं पे करेंगे, तो ड्यूटी लगी है ना उसको पे, जैसे संरक्षण ड्यूटी वगैरह होती थी, अब जीएसटी में आ गई है वो, अब उसको कोई पे नहीं करेंगे, हम एक बॉन्ड भर देंगे या लीगल अंडरटेकिंग दे देंगे कि हम जो हमारा एक्सपोर्ट चला जाए, और जब वो एक्सपोर्ट रहेगा तो हम अपने बॉन्ड निकाल देंगे। सर अभी परवरू में ऐसा सर्कुलर आया है कि जीएसटी और पेड करनी है, अभी वो है कि आपने जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनसे भी लेना पड़ेगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अब जीएसटी नंबर बहुत जरूरी है, 40 लाख रुपए तक की वो कर लेना मेरी एग्जम्पशन, 20 लाख नॉन ईस्टर्न स्टेट, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, क्योंकि आपको उसमें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन ये जरूरी है। दूसरा एक वो है आपका बॉन्ड एलिजिबिलिटी हो गया,
ये सब चीजें मैंने इसमें लिखी क्योंकि जीएसटी सिंगल टैक्स है, आपको पता ही सब कुछ डिटेल से वो है जो फाइनल कंज्यूमर उसको पे करता है सब डिटेल में उसको ही है। ये सब इनपुट इम्पोर्टेंट डिटेल है, आपको आईडी सिस्टम पता लग गया, इलस्ट्रेटेड जनरल गाइडेंस ऑफ एक्सपोर्ट। अब हम आते हैं फॉरेन ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या हमारा ये फादर डॉक्यूमेंट है या ये आपका फादर डॉक्यूमेंट? क्यों फादर डॉक्यूमेंट है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये आपकी लॉटरी है क्या, ये आपकी लॉटरी सारे साल लगे रहो आप शोरूम में मिलता और लास्ट में मिल जाता है, ठीक है, वही आपकी लॉटरी है। इसी एक्सपोर्ट से डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी डिटेल्स डॉक्यूमेंट लिखे हुए जो आप बात कर रहे हैं, इनवॉइस वगैरह सब इसमें लिखे हुए हैं एक्सपोर्ट से कॉन्ट्रैक्ट में, समझ में आ गए। फिर डॉक्यूमेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है, मैनेज पॉलिसी क्या है, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग मेथड है, ट्रांसफर पेमेंट क्या है, एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स क्या है, कस्टम क्लियरेंस रेगुलेशन प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन क्या है, प्रोसीजर एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर, ये हमारा बेसिक फ्रेमवर्क है फॉरेन ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, सर इसमें आगे बढ़ने से पहले सर थोड़ा सा इसको डिटेल में बताइए, मैं वो बता, ठीक है। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है, ये एक इंटेलिजेंट रिस्क मैनेजमेंट है, आप इसको यू कैन कवर इट विद द प्रॉपर यूज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्रॉपर सिस्टम है डॉक्यूमेंटेशन का, हर एजेंसी से इन्वॉल्व है, कस्टम अथॉरिटीज इन्वॉल्व है, इंस्पेक्शन काउंसिल इन्वॉल्व है, डीजीएफटी इन्वॉल्व है, बैंक इन्वॉल्व है, आपके मैरिज इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व है, ऐसी कई एजेंसीज हैं और उनको एजेंसीज को डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ चाहिए, क्या चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। जब भी कहा ना एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री यू हैव टू फॉलो, अदरवाइज व्हाट यू आर डूइंग इलीगल के यू कैन डू इट, करोगे तो क्या होगा फंसेंगे। इसमें क्या है, रोल ऑफ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स आर टू फोल्ड, जितने भी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स है सारे इंडिया में सारे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन WCO, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WTO है ना, नाम तो ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है WCO, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ब्रुसेल्स में, ठीक है। इसमें क्या दो काम होते हैं, फर्स्ट रियल शिपमेंट ऑफ फिजिकल गुड्स, क्या भैया तुमने क्या दस्तावेज है, वही हैव टू प्रूव ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एक करोड़ हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्री एक्सचेंजेस, जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दो डॉक्यूमेंट्स द इंपोर्टर कैन गेट क्लियरेंस ऑफ द गुड्स, तो उसके दो पर्पस हो गए, ठीक है। ये है डॉक्यूमेंट्री सेल्स, ये क्या है, दिस मींस डॉक्यूमेंट्री सेल्स, इसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स इशू करने पड़ेंगे। एक है इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स पेरिस में इसका ऑफिस ICC, इसने एक UCPCDC बना रखा है, एक इनको टर्म्स है जो मैं आपको बताऊंगा। जनरली क्या है हमारे इंटरनेट ये एक्सपोर्ट के अंदर 10 डॉक्यूमेंट की जरूरत है, 10 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। पहले जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं एस की डॉक्यूमेंट, क्या है एस की डॉक्यूमेंट, वो क्या है आपका कमर्शियल इनवॉइस है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है शिपमेंट डॉक्यूमेंट पैकिंग, पहला है कमर्शियल इनवॉइस, दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है शिपिंग बिल, गुड्स
Shipping bill. Teacher document. Packing invoice. Bill of lading. Transport document. It means you have to follow four documents. एक तो आपका commercial invoice, दूसरा आपका shipping bill, तीसरा आपका BL transport documentation document. Bill of lading कहाँ issue किया जाता है? कौन से port से? Ship पानी के जहाज से. By ship. By sea. अगर by air जा रहा हो तो? जी. Yes. और कोरियर के थ्रू जा रहा हो? जी सर. कोरियर. कोरियर के थ्रू जा रहा हो? कोरियर. वे बिल. पहले एक इंडिया आइटम कैटेगरी है. इंडिया आइटम मालूम था ना, सुना आपने इंडिया आइटम? नहीं सर. इंडिया आइटम में एक कैटेगरी जो टेक्सटाइल बेस्ड है, जो गांव में बनता है, जैसे ये जौहर बास्केट, सलवार कमीज, शेरवानी, टोपी, ओके घाघरा, ऐसे इंडिया कहते हैं इंडिया आइटम. भाई आ जाओ बिना पूछा. सब शारा नहीं है, बाहर शारा ये. ठीक है, तो ये एंटीक्विटी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा जब आप बाय एयर ट्रेन में कौन सी से ट्रेवल किया या फिर ओवरसीज. यस सर. तो वो एक डिक्लेरेशन मांगते नहीं मांगते हैं तुम क्या ले आ रहे हो. तो आपको जहाँ से कोई आपको कोई चीजें खरीद के ले आ रहे हो, ब्रास मेटल वेट आपको क्या चाहिए, तो उसका आप बिल्कुल ले आना चाहिए. बिल्कुल ठीक है, आगे नॉलेज शेयर कर रहे हैं. इसके दो पार्ट हैं डॉक्यूमेंट्स के. प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू प्री शिपमेंट मैंने शिपमेंट करने से पहले ऑरिजिन ऑफ गुड्स सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन कहाँ से आया है रॉ मटेरियल. अपडेट एग्रीमेंट बारह महीने है. सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन कहाँ से हुआ. प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, इसका इंस्पेक्शन कौन करेगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्पेक्शन करती है? बाय एजेंसी जो अगर प्रोवाइड करती हो तो. गवर्नमेंट की कौन सी है? सीएचए करा रहा है सरकार. जल्दी जवाब दो. एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया. एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी एक एजेंसी भी है पांच छह इंडिया में. बाकी जो बायर है जो इन प्रोसेस चेक करता है वो बाइंग एजेंसी वाले करते भाई ये हमारी एक्सपोर्ट है ये वो करेगा, उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है. जीएसटी कंप्लाइंस. जीएसटी कंप्लाइंस टैक्स इनवॉइस क्या आपने टैक्स पे किया नहीं क्या, जीएसटी का आईजीएसटी का ये सब सपोर्ट हो गया. एक्सचेंज कंट्रोल. एक्सचेंज का मतलब क्या है? चेंज होता रहता है. चेंज होता रहता है पैसा फॉरेन करेंसी. ठीक है, वो आपको कैसे कंट्रोल करेंगे आगे आगे बढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट 2000 रूल्स, पेमेंट एंड रिसीट्स ऑफ द फॉरेन पर्सन. जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, व्हाट आर वी एक्सपोर्टिंग, द वैल्यू शुड कम विद इन 365 डेज ऑफ द स्टेटस होल्डर्स. जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पैसा हमारा वापस आना चाहिए 365 इंडिया में. ठीक है, बीआरसी मिल रहा है. कस्टम क्लियरेंस, केबल की चेंज ही जाएगा ऊपर से जाएगा, चेक होगा कस्टम क्लियरेंस होगा. कस्टम एक्ट 1992 है. कस्टम एक्ट 1962 डील करने का नंबर हो, इंटरनेशनल ब्रांच, इंटरनेशनल ब्रांच हो, स्विफ्ट नंबर कहते हैं SWIFT ठीक है, या आम भाषा में कहते हैं वायरलेस नंबर वाला, और कुछ नहीं. ये कोई नंबर नहीं है कि नोट लीजिए 100 रुपए का फाड़ के ये नंबर बुला रही है. वायरलेस ये कॉमन लैंग्वेज है. वैसे स्विफ्ट नंबर स्विफ्ट नंबर ही होता है वो.
जिसी डेट ऑफ शिपमेंट से 21 दिन में आपने बैंक में जमा कर देने, जो स्टेटस होल्डर है, स्टेटस होल्डर मतलब एक्सपोर्टर्स, वो कौन है स्टेटस होल्डर? सर एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं, उसके ऊपर जाके एक्सपोर्ट किए हुए एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार, चार स्टार, पांच स्टार, जिनका 3 मिलियन डॉलर है, 25 मिलियन डॉलर है, 100 मिलियन डॉलर है, 500 मिलियन डॉलर, 2000 मिलियन डॉलर है, जो पिछले 3 साल में उनको स्टेटस दिया गया है, उनको क्या किया है स्टेटस एक्सपोर्ट हाउस, एक्सपोर्ट हाउस जो है, वेरी गुड, 123, ठीक है, वो उनको फ्री है, पैसा भी कभी आ जाए वो गया, या आपकी एक्सपोर्ट ऑरिएंटेड डील्स है। एज एन एविडेंस शिपमेंट एंड टाइटल ऑफ गुड्स आर ऑफरिंग पेमेंट्स, ये टाइटल ऑफ डेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके एविडेंस हैं, इनके बिना सर कोई बैंक आप सजेस्ट करेंगे जिसमें कि अपना अकाउंट खोलने की इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए पूछना, ये बातें स्विच मोबाइल में खोलो, स्विच में कौन स्विच बैंक जादू की डील तो पूछो, अरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है आपका, प्राइवेट बैंक की मैं सजेस्ट करूँ, बड़ौदा बैंक कर लो, ICICI बैंक भी है, कई बैंक प्राइवेट है, HDFC बैंक है, HDFC में खुलवा दी, और IDBI बैंक भी, और कितने जो बैंक है प्राइवेट और ये वो बड़े लिखे आपके राज्य में नाम है प्राइवेट बैंक बता रहे हैं, ठीक है, अब तीन प्रोस्पेक्टिव है, तीन इसके वो है, दीज आर थ्री डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव ऑफ दी कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव, इस कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स को 3 नामों से पुकारा जाता है, पहला नाम है कमर्शियल डॉक्यूमेंट, दूसरा नाम है प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, तीसरा नाम है शिपिंग डॉक्यूमेंट, तीनों चीजें एक ही है कमर्शियल में, ये कमर्शियल क्यों कहा गया है, क्योंकि इससे पैसा आना है, इससे लेन देन होना है, ठीक है, दीज आर टू बी यूज फॉर दी क्या बोला ट्रांजेक्शन ऑफ दी गुड, लीगल प्रैक्टिस, लीगल परस्पेक्टिव क्या है इसमें, एनीबॉडी कैन आंसर, सर वो देखते हैं ना कोई लॉ तो नहीं चेंज हो रहा है या किसी आपका, व्हाट आर द लीगल डॉक्यूमेंट्स कवर्स इन दिस ईयर, कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स बताओ, हाँ जी चलो मान लिया, चलो जीएसटी एक बिल मान लिया, अरे बताओ ना लीगल डॉक्यूमेंट, शिपिंग बिल, शिपिंग बिल इस पे शिपिंग बिल को भेजोगे बायर को, नहीं सर शाबाश नहीं भेजनी, वो कहाँ रहेगा, वो कौन साइन करता है, तो इट बिकम दी लीगल डॉक्यूमेंट, आईसी कोड, लीगल डॉक्यूमेंट है, यस सर, इसका बगैर तो सर क्लियरिंग लगाऊंगा, वही होता है मैं बता दूंगा, जीएसटी, जीएसटी नंबर, ठीक है, नंबर आपका पैन नंबर ना, तब वो हो गया, तो 3-4 शिपिंग बिल ये है, एक और कोर्ट चलान जो कोर्ट से क्लियर हो जाता है ना, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है, जब तक वो आपको ये बिल ऑफ रेडिंग देते हो, बी और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है, कमर्शियल डॉक्यूमेंट है वो, ठीक है, कमर्शियल प्रस्पेक्टिव क्या है, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर डू नॉट फिजिकली इन्वॉल्व, कोई लंदन में बैठा हुआ है, कोई मुरादाबाद में बैठा हुआ है, तो उसमें फिजिकल इन्वॉल्व नहीं है, इन्वॉल्व क्या है, थ्रू द स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम वर्ल्ड ओवर, दी ऑल दी यू नो कॉलम्स आर, दे आर 21 कॉलम्स, ये फलाव है एसटी ने इनका सही पूरा एक्सपोर्टर फलो बैंकिंग चैनल के थ्रू होगा, ऐसा कुछ लूंगा, लीगल पर्सपेक्टिव क्या, वर्ल्ड ओवर स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट सिस्टम इज लीगल पर्सपेक्टिव, सारे संस्थान में कस्टम इन्वॉइस दे दी जाएगी, कमर्शियल वाइज ट्रांसपोर्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज, तीन बैंक वाला देगा बिल ऑफ एक्सचेंज देखेगा या लेटर ऑफ क्रेडिट देखेगा, और कस्टम कमर्शियल वाइज बैंक वाला देगा और बिल ऑफ
डेडी जो ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है कस्टम डेडी कैसे हुआ है? लॉ रेगुलेटिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड एफटीटीआर मतलब डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992, लॉ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1992 ये लागू हुआ था। पहले फेरा था, पैमा बन गया, मोर लिबरल हो गया और इसके रूल्स बन गए 2000 रूल्स। इसके महीने बाद एक साल कस्टम एक्ट 1962 कस्टम एक्ट 1972 में क्या है? ऑपरेशन है। ऑपरेशन बाय हूम? कौन करता है ऑपरेशन? डॉक्टर। कस्टम डिपार्टमेंट किस में आता है? कौन से मिशन में आता है? कान पकड़ो दोनों हाथ से, एक हाथ से दोनों हाथ से। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। मैं पूछा नहीं सवाल, नहीं तो कई मिनिस्ट्री इन्वॉल्वमेंट फिर डालो। जो फॉरेन ट्रेड है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। जो सेंट्रल एक्साइज या जीएसटी या कस्टम्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन में आता है। ये रेलवे है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आता है। ये चार पाँच मोटी मोटी जो है, एक आरबीआई जो है वो बैंकिंग सिस्टम है। ये चार चीजें पता होनी चाहिए जब भी कोई आपसे इंटरव्यू After completing your courses, ठीक है? Custom Tariff Act 1972, 74, then 75 या 75 हो सकता है, मैं इट मे बी रॉन्ग। कस्टम टैरिफ क्या चीज है? टैरिफ करके एक बात होती है, एक होता है स्पेसिफिक ड्यूटी, एक एड वैलोरम। कभी नाम सुना है हमने अपने? एड वैलोरम स्पेसिफिक ड्यूटी? नहीं सर। नहीं सुना? अब मान लीजिए आपने इंपोर्ट किया किसी आइटम, उसमें क्या लगेगी? कौन सी ड्यूटी लगेगी? पानी के जहाज से या रेल से कहीं से कस्टम क्लियरेंस होगी तो उसका डाटा इकट्ठा करके ये यहाँ जाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स कलकत्ता, DGCINS.Kolkata कर लीजिए, आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, उसमें इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी सारा ग्लोबली पता रहता है कि पब्लिक अंडरटेकिंग ने कितना भेजा, प्राइवेट ने कितना भेजा, स्टेटस होल्डर ने कितना भेजा, सारा डाटा इकट्ठा मिल जाता है। किससे भेजा जाता है? उसमें, क्योंकि वेन यू सी द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया जो डीजीएफटी इंप्लीमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज को फ्रेम करती है, उसमें हमारे इन बातों का ध्यान रखा है। पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड कल्चरली जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उनको देखा है, पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है हमारा। मोस्ट फेवरेशन स्टेटस नहीं है, हम लोग सारा माल कहीं जो आइटम 1738 आइटम हम डायरेक्ट पाकिस्तान को बाघा बॉर्डर या अटारी से भेज सकते हैं। बाकी कहां से जा रहा है? दुबई हो गया है, उनको हम लोग मिनिमम प्राइस एक्सपोर्ट करते हैं, फ्लोर प्राइस फिक्स हुए गवर्नमेंट। ये MEIS मार्केट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम नहीं है, IMEIS पढ़ाया होगा आपको, ना उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि आप देश के अंदर इससे फ्लोर प्राइस नहीं होगी, आपको इंसेंटिव भी मिलेंगे, रिवार्ड पॉइंट भी मिलेंगे, ठीक है? इससे वेरिएशन गुड्स इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म रूप रहता है। जब ये सारे हो जाएंगे तो क्या आपको इंसेंटिव देंगे, जैसे EBRC ज्यादा ना, इलेक्ट्रॉनिक बैंक लाइसेंस सर्टिफिकेट,
वो डीजीएफटी के सर्वर से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। पे एक्सपर्ट्स एंड सेंडिंग मेजर्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिसी एप्लीकेशन। ये हमारी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी जो हमारी गाइडलाइंस हैं, जो हमारी गाइडलाइंस हैं, उसमें शेड्यूल वन है, शेड्यूल टू है, इम्पोर्ट का, एक्सपोर्ट का, जो आरटीसी चार्ट है। जो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रेड फैसिलिटेशन, जो ट्रेड को आपको सहायता चाहता है कि स्मूथली एक्सपोर्ट हो। हमारे कस्टम डॉक्यूमेंट्स हैं, कहते हैं ऑनलाइन के लिए हमारे आप डिस्ट्रिक्ट 23 ईयर हैं। ईडीआई सिस्टम, ईडीआई सिस्टम मालूम है आपको? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है। आप सब आप ऑनलाइन करें, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चले आगे, मैरी इंश्योरेंस जरूरी है, ठीक है। मैरी इंश्योरेंस एक्ट 1963 है, अपना पैसे बचाना है, नुकसान ना हो, बाहर ले लेना ले इंश्योरेंस, तो आप क्या करोगे? तो कम से कम आप फैक्ट्री से लेकर पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक ले लो। जैसे आईसीडी वाले लेते हैं, आईसीडी वाले क्या करते हैं, अपनी सामान कंटेनर का इंश्योरेंस कराते हैं, कहां तक का? आईसीडी से लेकर वहां तक का पोर्ट ऑफ शिपमेंट, ठीक है। क्या क्या कंटेंट होना चाहिए? दो पार्टी के नाम होते हैं, इंश्योरेंस इंश्योर कौन कर रहा है, इसमें कितना बिहाफ पे है, मोर इंश्योरेंस है, कितना आपने अकाउंट का किया हुआ है, ठीक है। कितनी वॉयस या पी एफ वॉयस, यानी यहाँ से मुंबई पोर्ट टू और वो आपका रोटरडम क्या क्या लिया है, या लॉन्ग बीच का क्या है, या आपका वो क्या सान फ्रांसिस्को का लिया हुआ है, ये सब वहां तक का आपको देगा, देना पड़ेगा। सर जैसे कंटेनर का वो इंश्योरेंस कराते हैं, और अगर वो मान लो कि वजह से डूब जाए, कुछ मिल जाए, तो उसका हमें क्लेम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। उसमें क्या प्रोसेस, कितने परसेंट मिलता है सर उसमें? ये मैं आपका शिकंदा अभी ये बता रहा, बेसिक रिस्क टाइप ऑफ लॉस, टोटल लॉस एंड पार्शियल लॉस। अगर लिक्विड है कितना वो क्या सर्वे कराना पड़ता है, कितना लॉस हुआ है, अगर बिल्कुल ही चला गया तो उसके अंदर आपको पूरा पैसा मिलेगा। और लिक्विड फॉर्म में है, मान लो कोई चीज है, कुछ मान लो 22-25 दिन में चीज सुखड़ जाती है, वेट कम हो जाता है, तो उसका वेट कम हो जाता है, तो तोलते हैं सामान को, वो सब कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी में होती है। ये क्लॉजेज हैं जो लंडन में है, इंश्योर कार्गो क्लॉज सी, इंश्योर कार्गो बी। ये क्राई में इंश्योरेंस पॉलिसी आप कराइए ना, ये कराइए तो ये आपको रिस्क नॉट कवर्ड अंडर द मैरिज इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपने डिले कर दिया है जानबूझ के, तब आपको ये मैरिज इंश्योरेंस मिलेगी। आपके जानबूझ के बिल्कुल मिसकंडक्ट इंश्योरेंस जिसने कराया है, तब उसमें बनिएगा, या आपने जो आपने ऑनर हो, आपने जानबूझ के इंसॉल्वेंसी कर दी है, फिर अनसुटेबल पैकिंग, आपने लापरवाही के लिए उससे नुकसान हो गया, उसमें लीकेज वेट और वॉल्यूम, फिर एटॉमिक वेपन्स और न्यूक्लियर फ्यूजन रेडियो एक्टिव फोर्स, इनके ऊपर आपको ये नहीं हो। अब आता है पैसा, ये कहां की करेंसी है? डॉलर का साइन, ये कह रहा है यूएसए, वो ऑस्ट्रेलियन कह रहा है, वो सिंगापुर कह रहा है, यूएसडी ये साइन है, साइन जैसे कोड, ये प्लीज राइट यूएस डॉलर, यूएसडी यस। You have to write in words, not symbol. Please keep in mind. When you write INR, Indian rupees. Okay? This is yen. 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 Yen
UPS मतलब पाउंड स्टर्लिंग यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड पाउंड स्टर्लिंग यूपीएस आई बोल रहा हूं अच्छा ये इसका मतलब क्या है सही यूरो नहीं ये तो यूरो हो गया इसका मतलब क्या है शुरू में 11 कंट्री थे वेरी गुड इनके लिए ताली बजाइए 11 कंट्री ने साइन किया है अच्छा यूरोपियन यूनियन बाहर निकलने यूरोप के बाहर निकलने वाला है उसने साइन नहीं किया वो अभी यूरोप कर रहा है ये ट्रेड साइकिल है क्या ये कहाँ से ये काम करने के लिए कहाँ से आएगा पैसा ठीक है शीट डेट्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन तीन डेट की जरूरत है किस दिन आपको ऑर्डर रिसीव किया कहती है द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑन विच डेट फिर डेट ऑफ शिपमेंट कौन सी डेट को किया छह महीने बाद किया तीन महीने बाद किया फिर डेट ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स रियलाइजेशन इसको कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीड्स भी कहते हैं क्या कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ठीक है ये कई ऐसी टर्मिनोलॉजी है यू विल शुड बी फैमिलियर विद दिस टर्मिनोलॉजी ठीक है अब क्या एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम क्वांटिटी ऑफ पैकिंग क्रेडिट्स ड्रॉन कंसीडर रेट पीरियड रनिंग अकाउंट फैसिलिटी पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू सप्लायर पोस्ट पेड फाइनेंस प्रीशिपमेंट क्रेडिट फॉरेन करेंसी ये दीज आर दी टर्मिनोलॉजी व्हिच आर बीइंग यूज्ड बाय दी फेडाई फेडाई मींस फॉरेन करेंसी एक कैटेगरी 1 वगैरह आता है ना एडी 1 वगैरह आप बोल रहे हैं आप एस 1 हां फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो फॉरेन एक्सचेंज डील करते हैं कि मेंबर हैं सारे बैंक भी ठीक है आपने एक्सपोर्ट किया $5,000 का एक्सपोर्ट किया वो आपने उधार दिया ना अगर नहीं आया पैसा क्या करोगे किसका पकड़ोगे हाथ वहां के बैंक बैंक्स के थ्रू ये होता है आप सुनते रहो अब सुन लो ये क्रेडिट रिस्क जो क्रेडिट को बचाने के जोखिम को कम करने के लिए इंश्योरेंस दी जा रही है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 57 साल पुरानी ये पॉलिसी ईसीजी है कॉरपोरेशन आपका मुरादाबाद में इसका ऑफिस है आपने दिल्ली नहीं भागना है बॉम्बे हेड ऑफिस नहीं भेजना है मुरादाबाद आपने मुरादाबाद में ही पकड़ना है उनकी होती है ना अटेंड किया ना तो ये इसकी इंश्योरेंस देती है क्रेडिट की ये प्रोवाइडिंग इसी चीज टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एनेबल एक्सपोर्ट ऑपरेशन बेटर फैसिलिटेट फ्रॉम देम ये बैंक को फैसिलिटेट करती है भाई इनको वो लोन दे दीजिए हम इनकी लेते हैं वो कहेंगे कि हम क्यों दे भाई कोई इन्होंने हमारे स्टैंडर्ड पॉलिसी दे रखी है एक्सपोर्टर पॉलिसी दे रखी है टर्न ओवर पॉलिसी दे रखी है फॉरेन पॉलिसी दे ठीक है प्रोवाइडिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस दे उनको उनको भार भी रखती है कोई बिडिंग वगैरह करते हैं मैं कहां से पैसे लाऊं मैंने कंपनी भाग गया कमर्शियल इंसॉल्वेंसी वगैरह पॉलिटिकल रिस्क आप प्याज प्याज भी भेजेंगे एक्सपोर्ट करेंगे तेल नहीं एक्सपोर्ट करोगे गोल्ड पे ड्यूटी लगा दी ठीक है गेहूं बंद कर दिया जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल बेसिस पे हमारे झगड़ा हो रहा है पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा है हम भी बैन कर दिया यूएसए ने कहा इन्वेस्टमेंट के भी आपको पता ही लग गया होगा इन्वेस्टमेंट अब्रॉड बाहर जाने की बिल्डिंग वगैरह उनके लिए भी ये है एडवाइस सर्विसेज भाई आप ये मतलब ये मतलब ये वहां जाइए यहां जाइए ऐसा ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे हैव टेकन यू नो ऐसी हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को इन्होंने अडॉप्ट किया हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि ये जो इनको टर्म्स है डिलीवरी ऑफ गुड्स में सर्विसेज में नहीं ओनली डिलीवरी इन गुड्स में डील करती है किसमें मर्चेंडाइज गुड्स में टेंजिबल गुड्स में ठीक है नॉट इन सर्विसेज सेक्टर और इंटेंजिबल सर्विसेज ठीक है इस टाइम में 11 हैं कितनी हैं 11 टर्म्स हैं इसमें चार कैटेगरी हैं कितनी कैटेगरीज हैं चार हैं वन इज ई
departure term. F shipment term. C carriage term. D arrival term. ये चार कैटेगरी हैं और जितनी भी इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स हैं ये FTA, FAS, FOB, CFR, CIF, DDP, DAP, DAT, CIAP. These are abbreviated in three alphabets. तीन शब्दों में तीन अक्षरों में एक्सप्लेन की गई अल्फाबेट में जैसे लिखा हुआ है FEA, FM, ये सब अल्फाबेट हैं. इसमें जो है ये पानी के जहाज से है, ठीक है. एक है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट. कई बार सुना आपने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सुना है ना, जिसमें चारों मोड है. कौन कौन से हैं? ठीक है. उसी के हिसाब से आपको मल्टी मॉडल डॉक्यूमेंट भी बनता है, MTD डॉक्यूमेंट बनता है. ये सी है तो पानी के नीचे नहीं पानी के ऊपर. ये शिप है, ठीक है. चन्ना मामा के ये आपका रेल लाइन है, वो रेल लाइन तो खत्म हो गई है. और सर शिप खड़ा हो गया पर. अब FAS फ्री अलाउंग साइड शिप. इसमें आपकी ड्यूटी क्या है, कौन बताएगा? इंकोटा पढ़ाई है ना आपको? यस सर. हम शिप के बाहर मतलब सिर्फ वहाँ पोर्ट पे शामिल हैं. शुरू बताइए, शुरू बताइए. शिप में कौन वहाँ पहुँच गई कस्टम में? कस्टम कौन की रेस्ट लगाया यहाँ पर? सो बायर का रिप्रेजेंटेटिव. एक्सपोर्टर. एक्सपोर्टर. हाँ सर, यहाँ पे एक्सपोर्टर कराएगा. जी. आपने अब सामान चढ़ाना नहीं है, सिर्फ शिप के पास का कराना है. शिप के अलाउंस है, शिप पर कर देना. जी. ठीक है. जी. आप चाहे वो उसमें आधा माल निकाले, आधा किसी शिप में उतारे, आधा घर उतारे, आपका जो एज पर टर्मिनोलॉजी यू हैव टू गिव दी कंसाइनमेंट एट दी अलाउंस बाय शिप. अब आ गए बोर्ड. चढ़ा दे भैया बोर्ड तक. इस सामान को यहाँ भी चढ़ा अब चढ़ा दे. समझ में आ गया? जी सर. सर इसके पैसे बढ़ जाएंगे आप? जी सर. जी. तो जनरली वी आस्क दिस क्वेश्चंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FOB सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड CIF सेल्स कॉन्ट्रैक्ट. मोस्ट कॉमन यही दो. ये शो नहीं करती कि कब ये माल डिलीवरी होगा, कैसे पेमेंट होगी, कब इसका टाइटल गुड्स ट्रांसफर होगा. ये तो ये कहता कि कहाँ बटाना माल, टाइम पर कोई लिमिट नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये बताता है कि कस्टम क्लियरेंस किसने करानी है. ये इनको जम्स है 1970 से लेकर DSTN. ये सब मैं पढ़ा दिया आपको, ठीक है. ये सब आपको आने चाहिए, जाना चाहिए, आने चाहिए, ठीक है. DPD डायरेक्ट फॉर डिलीवरी अलाउ रजिस्टर्ड इम्पोर्टर्स GN और नवा सेवा GNPD. हम आपके फैक्ट्री में डायरेक्ट डिलीवरी कर देंगे, लेकिन आपको 24 घंटे के अंदर अपने आप बिल ऑफ एंट्री सबमिट करनी है हमारे को. उससे क्या होगा, कंजेशन हटेगा, स्मूथली वो होगी, एक सर्वे करेगी. उसका मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरफेस टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. इसका मतलब है सिंगल विंडो इंटरफेस फैसिलिटेटिंग ट्रेड. इनको NOC लेने की जरूरत पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपने इशू करना है, क्वारंटाइनमेंट जाना, टेक्सटाइल बोर्ड कमेटी है, आपकी आपके जो आइटम आ रहे हैं अगर वो बिलिंग टाइम नहीं कर, हम क्लियर कर देंगे सामान. अब मैंडेट डॉक्यूमेंट कॉमन से तीन,
जो अभी पिछले 2016 में अनाउंस किया है, एक तरफ बिल ऑफ लेडिंग एवे बिल, एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है, कंबाइन कर दिए, वेयर एवर द इम्पोर्टर इंसिस्ट यू दैट यू सेपरेट इशू स्पॉट रेट पे होगा, बिल्डिंग पे नहीं होगा। अब ये कैसे करोगे, आपको आंसर देना पड़ेगा, हाउ डू यू मैनेज दिस रिस्क, व्हाट टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस सर्विसेज अवेलेबल, क्या क्या अवेलेबल है, ये सारे साइड बैठ के आपको ताले की कुंजी खोलनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, दो सदन इसमें 7-8 वो है, मतलब पहले आपको मिल गया आईसी कोड आसियान की आईसी कोड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्टर एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट को आपको ड्राफ्ट बुलाने जाओ ना, तो ऐसे आईसी कोड नहीं पीस लेते हैं। ये यूसीपीसी 600 के अंदर इसमें कवर किया दी है ये डॉक्यूमेंट, उसमें लिखा दो पार्टी का नाम, आपका गुड्स का डिस्क्रिप्शन, आप किस करेंसी में पेमेंट करेंगे, आप किस टाइम में डिलीवरी देंगे, कंसाइनमेंट है, ट्रांसशिपमेंट अलाउड है नहीं है, किस टाइप की पैकिंग नहीं होगी, और इसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें सबमिट करेंगे आप, ये सारी डिटेल आपको एलसी में लिखी होगी, यही आपका एक्सपोज कॉन्ट्रैक्ट है, यही एलसी में लिखा होता है, सब चीजें लिखी होती है, ये आपके लिए फायदेमंद है जो नया नया एक्सपोर्टर है, ठीक है। और बाकी जो इसमें 15 पेजेस आते हैं आपको, सबसे पहले आपके एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आपने साइन किए, एक्नॉलेजमेंट किया, डिस्कस किया, उसको एड किया, फिर आपने वहां गए, आपको एक्सपोर्ट तैयार हो गया, तो आप क्या लोगे,